तो दोस्तों कुछ इस तरह से रील्स वीडियो ज़्यादातर आजकल वायरल हो रही है, तो अगर आपको भी कुछ इस तरह से रील्स वीडियो एडिट करनी है तो इस वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए ज़्यादा इंट्रो को बड़ा नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है। क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप यहाँ से सर्च करेंगे बिंग AI इमेज जनरेशन, तो इस पर क्लिक करते ही आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने दिखाएगा। तो अगर आप इस वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो इस वेबसाइट को लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपना लॉगिन कर लिया हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए आप फर्स्ट बार आ रहे हैं तो। लॉगिन कैसे करना है आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट में यहाँ पे सर्च करना है, जो मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है। जिस प्रकार से इमेज आपको चाहिए वैसा लिख देना है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो टेक्स्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से जाके कॉपी करके इमेज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। यहाँ पे मेरा नाम लिखा होगा सुनील, तो यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे विकास, ठीक है, विकास लिख दिया। और यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम या फिर जो भी हो गर्लफ्रेंड उसका नाम लिख देना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रियंका, ठीक है, प्रियंका लिख दिया। प्रियंका लिखने के बाद सिंपली से आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो इमेज है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना है। तो वेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो इमेज है वो क्रिएट होके आ चुका है, ठीक है। तो सिंपली से जो भी इमेज को डाउनलोड करना है इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं ये वाला इमेज डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से सिंपली से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। HD क्वालिटी में डाउनलोड हो गया। सो अब इसका वीडियो एडिटिंग कैसे होता है उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, सो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।